उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई तेज हो गई है। पीडीए का बुलडोजर शुक्रवार को पूरा मुफ्ती थाना अंतर्गत अहमदपुर अतरौली पहुंचा, जहां मशकुद्दीन के बंगले को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। कहा जाता है कि मशकुद्दीन के संबंध माफिया डॉन अतीक अहमद से हैं। आरोप है कि हाल ही में उमेश हत्याकांड में भी मशकुद्दीन के बेटे शामिल थे, लिहाजा यह कार्रवाई की जा रही है। मशकुद्दीन को अतीक अहमद का फाइनेंसर भी बताया जा रहा है। प्रयागराज में लगातार ये चौथा दिन है जब गैंगस्टरों की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मशकुद्दीन के खिलाफ 40 से 50 मुकदमे दर्ज हैं। पीडीए के बुलडोजर ने शुक्रवार शाम 4 बजे मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्य को करने के लिए 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि अतीक गैंग के सबसे बड़े बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर कल मिट्टी में मिलाया जा सकता है। विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से प्रयागराज में अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कल अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, वो सीसीटीवी में बम फेंकता हुआ नजर आया। इसके अलावा हत्या के आरोपी गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सीसीटीवी में गुलाम मोहम्मद एक दुकान से निकलकर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं के लिए संदेश दिया था, वह माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वह आज हमें देखने के लिए मिल भी गया है। दोस्तों अब देखना होगा कि यह कार्रवाई अब किस तरीके का मोड़ लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।